हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में एल्कीन चैप्टर के बारे में बात करूंगा, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बारे में बात करूंगा। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर एल्कीन, एल्केन और एल्काइन पढ़ते हैं हम, जिनमें से आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एल्कीन के बारे में। ठीक है, एल्कीन के बारे में बेसिक जानकारी आपको होगी कि उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है और इसी में अगर n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया जाए तो इथाइलीन का फॉर्मूला तैयार हो जाता है C2H4। ठीक है, और इसकी सकल सूरत अगर लिखी जाए C2H4 को क्या लिखा जाएगा, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड और यहां पर क्या रहेगा, हाइड्रोजन, इस तरीके सिंगल बॉन्ड से बना होगा। ठीक, और इनके बीच में एक पाई बॉन्ड होगा, यहां पर क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। तो इनमें से एक सिग्मा है मान लो, तो एक क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा इन दो कार्बन सेंटर के बीच में। ठीक, तो इन दोनों कार्बन के बीच में चार इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखेगी, क्योंकि दो सिग्मा के अंदर है, दो पाई के अंदर है, जिसमें से हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो आसानी से किसको तोड़ा जा सकता है, वीक वाले बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये पाई बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। भाई जब वो आसानी से रिएक्शन के अंदर टूट सकता है, इसका मतलब वो क्या बोला जाएगा कि वो रिएक्टिव होता है। और एल्कीन में यही पाई बॉन्ड जो कि वीक है, उसी के रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और मैं इस वीडियो से शुरुआत कर रहा हूं एल्कीन की, इसकी एक पूरी सीरीज आएगी एल्कीन के बारे में, पूरे रिएक्शंस पढ़ाऊंगा मैं, इसलिए पूरी वीडियो देखिए। ये ऐसा समझिए कि ये एल्कीन का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं हम आज। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है तो वो रिएक्टिव होता है, इसीलिए इनके रिएक्शंस हो पाती हैं एल्कीन्स के अंदर। ठीक है, सिग्मा तो मजबूत है, वो आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड आसानी से टूटेगा, इसीलिए ये पाई बॉन्ड तोड़ने पर उनका एक करैक्टर डिफाइन होगा एल्कीन का। चलिए देखते हैं नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली बात तो आपको एडिशन रिएक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए कि किसी रिएजेंट, किसी चीज में जो रिएक्टेंट है आपका, उसमें कोई रिएजेंट, कोई रिएजेंट मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल का पार्ट होगा तो दूसरा कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान लीजिए आप HBr ले लीजिए, क्या ले लीजिए, HBr, तो इसमें से H+ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और Br नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रही है, इसलिए मैंने एक जनरल चीज लिख दी है, E+ एंड न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव। ठीक है, फिर अगर इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 में से पाई बॉन्ड को हटा दिया जाए, पाई बॉन्ड को हटा दिया जाए, उस पाई बॉन्ड को हटाने के बाद एक वैलेंसी इसकी खाली होगी तो एक इसकी खाली होगी, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल से लगा दो तो इसको न्यूक्लियोफाइल से लगा दो, तो ये आपको प्रोडक्ट दिखेगा। इसमें हमने क्या किया, इस रिएक्टेंट में जो कि एल्कीन है उसमें ये रिएजेंट लाके जोड़ दिया। ठीक है, एडिशन करवा दिया। एडिशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं और ला करके दो लोगों को नाम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऐड कर देते हैं। ठीक, लेकिन नाम में लिखा इलेक्ट्रोफिलिक, इसका मतलब हमें समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोला गया, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो उनको समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, इनके पास पाई बॉन्ड है ना, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है तो क्या उसके पास न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा, भाई इन दो कार्बन सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, जो पाई बॉन्ड है, क्या उस पाई बॉन्ड के पास इजिली न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा, जवाब है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव चार्ज है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जल्दी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इनको ऐड करने के लिए अपना कौन सा दूध भेजेगा ये इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि ये भाई साहब जाएंगे तो झगड़ा करेंगे, लेकिन ये जाएंगे तो उनसे क्या करने, गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, इन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सकल से भिखारी है, इन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, जाके इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही चाहिए थी। बस मांगी, ओके। तो यहां पर देखिए होगा क्या, ध्यान समझिएगा कि पहले इलेक्ट्रोफाइल आता है, इससे कनेक्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आता है, इससे कनेक्ट होता है, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड हमने तोड़ दिया, उस पर एक जगह इलेक्ट्रोफाइल लग गया, तो इलेक्ट्रोफाइल जब यहां लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां बन जाएगा। भाई इलेक्ट्रोफाइल यहां लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां बन जाएगा, फिर आगे क्या होगा, फिर आगे न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्योंकि अब उसने देखा, देखिएगा ध्यान समझना,
क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल उसका दूत बन के गया था, हमला किसको करना था, न्यूक्लियोफाइल को, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को दूत बना के भेजा, कहा भाई जाके वहां गठबंधन करो और पॉजिटिव चार्ज बनाओ, तुम खबरें भेजो, खबरें आते ही किसने अटैक कर दिया, इस न्यूक्लियोफाइल ने, इस पर अटैक किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंबाइन कर जाएगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये कनेक्ट होकर के ये बन जाएंगे। लेकिन रिएक्शन का नाम किस बात पर डिपेंड करता है, उसके दूत के ऊपर, किसको पहले भेजा गया था, ठीक है, उसका मैसेंजर पहले कौन था, इसका मैसेंजर था इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले जाकर के इस डबल बॉन्ड से एल्कीन से मिलता है, इस वजह से उसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जुड़ने को तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों जुड़ रहे हैं, लेकिन नाम में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए लिखा जाता है, जो पहले जुड़ता है उसके हिसाब से नाम आता है। बात समझ आ गई होगी सर, ओके चलिए इन रिएक्शंस को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम हाइड्रोजन ही करेगा, क्योंकि H2 लिखा है तो H और H ऐसे समझ सकते हो, ठीक। ये क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों जाकर के यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक, मान लीजिए निकल ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, क्या बनेगा, CH2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन जाकर के इस तरीके से लग जाएंगे। सेम वे में HBr जाके लग जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या रहेगा, Br, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ Br2 में क्या होगा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ मान लीजिए CCl4 ऐसे सॉल्वेंट ले लेते हैं, CCl4 यहाँ सॉल्वेंट है, आपको जो रिएक्शन करवानी है वो Br2 के साथ करवानी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक ब्रोमीन लग जाएगा यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, भाई Br2 को आप कैसे तोड़ दीजिए, ब्रोमीन प्लस एंड ब्रोमीन नेगेटिव, तो ब्रोमीन प्लस मान लीजिए कनेक्ट हुआ, बाद में कौन कनेक्ट हो जाएगा, ब्रोमीन नेगेटिव। बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक एडिशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसके अंदर पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, दो नए सिग्मा, एक सिग्मा ये एक सिग्मा ये, दो नए सिग्मा बनाते हैं, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल एज ए मैसेंजर वहां तक जाता है, उसे रिएक्शन करता है। पूरे एल्कीन चैप्टर में सिर्फ तीन तरीके की मैकेनिज्म यूज होती है, अगर आपने वो तीन मैकेनिज्म सीख लिया तो आपको पूरे चैप्टर को पढ़ने में कहीं भी तकलीफ नहीं आएगी। सिर्फ तीन मैकेनिज्म पर फोकस करेंगे, तीन तरीकों पर फोकस करेंगे, थ्री टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म पर फोकस करेंगे। चलिए देख लेते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन को कराने के लिए तीन मैकेनिज्म की जरूरत होती है, जिसमें हम ये तीन पार्ट में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, टाइप वन, इसका नाम अगर मैं रख दूं टाइप वन, ठीक है, टाइप वन, और इसके लिए मैं बोल देता हूं टाइप टू, ठीक, और इसके लिए मैं बोल देता हूं टाइप थ्री। अगर आपने सिर्फ यही टाइप सीख लिया, पूरा चैप्टर यही खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं, टाइप वन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोफाइल इस एल्कीन से रिएक्शन करने वाला है। कैसे करता है ये इलेक्ट्रोफाइल, पहले जाता है किसी एक कार्बन से जुड़ जाता है, किसी एक कार्बन से, फिलहाल मैं इस कार्बन पे मान लीजिए दोनों तरफ जोड़ सकते हो, इस वाले कार्बन पे भी जोड़ सकते हो और इस वाले कार्बन पे भी जोड़ सकते हो, ठीक है, तो हमने लिख दिया CH3CH, ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया तो CH2, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है, ये कैसे आएगा इसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझते रहें कि इस इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एक तरीका तो ये, मतलब इसी को जोड़ने में, और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल अगर इस वाले कार्बन से जुड़ेगा तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान समझिए, CH3CH और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो ये टाइप वन के अंदर जोड़ने का तरीका है। बात समझ में गई, ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन इस टाइप वन का थोड़ा एग्जांपल देख लो, कौन कौन से होंगे, सिर्फ H प्लस या इसी के जैसा D प्लस। यहां पर टाइप वन के अंदर H प्लस और D प्लस अगर इलेक्ट्रोफाइल होंगे तभी आप ये टाइप वन वाला मैकेनिज्म बनाएंगे, कि आप क्या करेंगे, H प्लस को यहां जोड़ दीजिए या तो H प्लस को यहां जोड़ दीजिए। बात समझ में गई, ओके। अब टाइप टू की बात करते हैं, टाइप टू के अंदर थोड़े स्पेशल लोग आते हैं, कौन कौन से हैं वो स्पेशल लोग, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास लोन पेयर जरूर हो, ठीक है, क्या होना चाहिए, लोन पेयर हैविंग, लिख लो, लोन पेयर हैविंग इलेक्ट्रोफाइल्स,
यहाँ पर वो लोग कंसिडर किए जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर किए जाएंगे जिनके ऊपर लोन पेयर होगा, वही टाइप टू के अंदर आएंगे। देखो भैया एच प्लस के पास तो लोन पेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि एच प्लस में एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी हमने निकाल दिया, तो वो टाइप वन की तरफ चला गया। डी प्लस भी इसी तरफ चला आया, लेकिन जिनके पास लोन पेयर हो वो लोग कहाँ कनेक्ट किए जाएंगे, टाइप टू के अंदर कनेक्ट किए जाएंगे। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम देख सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे आप ले सकते हो Cl+, क्या ले सकते हो Cl+, इस पर कितने लोन पेयर होते हैं भाई, बचे हुए तीन लोन पेयर। भाई क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से एक निकाल दिया तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, पास में मारिए। तो इस तरीके से एक आप इलेक्ट्रोफाइल देख रहे हो Cl+, जो कि मैकेनिज्म 2 से जुड़ने वाला है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ओके, तो देखिए ये जुड़ता कैसे, ध्यान से सुनना, जब ये इलेक्ट्रोफाइल इससे कनेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी होगा, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल को क्या करिए, कहीं जोड़ दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ जोड़ दिया, ध्यान समझना, अगर मान लीजिए हमने जोड़ दिया मैकेनिज्म वन की तरह, पहले हम मैकेनिज्म वन की तरह जोड़ेंगे। देखिए ई को हमने यहाँ जोड़ दिया इस वाले किनारे पर, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस वाले कार्बन पे। भाई इलेक्ट्रोफाइल को आप यहाँ कनेक्ट करोगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या था, लोन पेयर, तुरंत ये लोन पेयर इसको दे देगा और खुद को कनेक्ट कर लेगा, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये इलेक्ट्रोफाइल। अब क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने अपना लोन पेयर दिया है, इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात शायद समझ में आ गई होगी कि पार्ट सेकंड में लोन पेयर जरूरी क्यों था, बोलो जरूरी क्यों था, क्योंकि जब वो कनेक्ट होगा तुरंत ही ये क्या करेगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का मतलब पड़ोसी को तकलीफ देखी नहीं दे जा रही थी, उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना लिया। लेकिन मैकेनिज्म वन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैकेनिज्म वन में ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर नहीं है, जब लोन पेयर है ही नहीं तो इसे कनेक्ट कैसे कर सकता है, ओके, पूरा लॉजिकल है यार। देखो ध्यान समझना, जैसे मान लो Cl+ है, Cl+ को यहाँ जोड़ना हो तो कैसे क्या करो, यहाँ का पाई बॉन्ड हटा दो, यहाँ पर ऐसे Cl+ लगा दो, ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये हो गया मैकेनिज्म टू, आप बोल सकते हो यार टाइप टू टाइप की मैकेनिज्म। टाइप सेकंड को समझने के बाद हम टाइप थर्ड पर आते हैं। टाइप थर्ड में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक साथ जाकर के इससे कनेक्ट होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं, इनके नीचे मैं थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है और NU मतलब न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों क्या करते हैं धीरे धीरे, इस ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से गठबंधन बनाने की कोशिश करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन से गठबंधन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पर कोई पहले नहीं जा रहा है, दोनों एक साथ अप्रोच कर रहे हैं। जब ये अप्रोच कर रहे हैं तो अपने बीच का क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ देते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट बनता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फिर मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, बात समझ में आ गई होगी। क्या लिखेंगे, देखिए CH3C लिखेंगे, H लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड CH2 लिखेंगे। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से जाकर के, सेम साइड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, सेम साइड से जाकर के ये ऐड हो जाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल और ये दोनों कैसे, किस तरफ से ऐड हो रहे हैं, सेम साइड एडिशन, सेम साइड एडिशन करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जा करके सेम साइड से लग जा रहे हैं और इसी सेम साइड के एडिशन को हम सिन एडिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिन एडिशन भी बोलते हैं। अभी मैं इनके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए बताना पड़ गया क्योंकि ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं। तो जब एक साथ जुड़ेंगे तो देखिए, ये मान लीजिए पाई बॉन्ड है और दो लोगों को जुड़ना है, तो दो लोग कैसे जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, ठीक। तो दो लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं तो ये वाला और ये वाला दोनों उंगलियां क्या है, सेम साइड से जाकर के जुड़ रही हैं, इसलिए हम इसको सिन एडिशन बोलेंगे। अब हम टाइप वन पढ़ेंगे जहां पर इलेक्ट्रोफाइल एच प्लस या डी प्लस होते हैं, तो उनके लिए एग्जांपल हमें पढ़ना है। लेकिन देख लीजिए एच एक्स लिखा गया है तो एक्स की जगह पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एच हो जाएगा एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई या डी सी एल, मतलब डी प्लस एंड सी एल नेगेटिव। तो यहां से सब में से क्या निकलेगा, बोलो इलेक्ट्रोफाइल क्या निकल के बाहर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल इज इक्वल टू बोल सकते हो क्या, एच प्लस या डी प्लस। इसलिए यहां पर कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, टाइप वन का मैकेनिज्म लगेगा। बात समझ आ रही है, चलिए देखते हैं। अब एक एग्जांपल है, इसमें देख लीजिए रिएक्टेंट ये लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 HI, यहां पर क्या देगा, H+ देगा, ठीक।
तो पहले H+ जा करके इस डबल बॉन्ड से भेंट मुलाकात करेगा, इससे अपने कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है और इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर यही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे दिखाते हैं, देखिए इनके पास देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जाकर के H+ को बुलाता है, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया जाता है, कभी भी H+ को आप इस तरफ मत दिखाइएगा, वो गलत होता है, हमेशा क्या दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, H+ को अपनी तरफ बुलाता है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब बुलाएगा तो CH3CH, ठीक, इस सी एच से मान लीजिए ये कार्बन हमने यहाँ पे कनेक्ट कर, कार्बन पर हमने हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो क्या बचेगा, एक बॉन्ड तो टूट गया, तो क्या बचेगा सी एच और सी एच थ्री बचेगा, ठीक है। अगर मैं एच को यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक तरीके से लिख दूँ इस तरीके से एच, ठीक, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से बात समझ आ रही है। H+ देखिए ये H+ जा करके इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, H जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर बनता है, तो ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट था, अभी नया वाला हाइड्रोजन जो हमने जोड़ा वो ये वाला हाइड्रोजन है, इतनी बात समझ आ गई, ओके। अब इस कार्बन को देखो, H+ जहां बन चुका है, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों, क्योंकि यहां पे एक सिंगल बॉन्ड ये, एक ये और एक ये, यहां पर तीन स्टेरिक नंबर आ रहा है, स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है, 1 2 3, इसलिए ये sp2 है, sp2 है तो इसे प्लेनर है, ठीक है, प्लेनर है तो यहां पर क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, ध्यान समझ लीजिए, sp2 है तो एक p तो बचेगा, भाई p कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं ना p के, तो दो तो यूज हो गया हाइब्रिडाइजेशन में, एक p क्या होगा, खाली होगा, और इसी p पर यहां से क्या निकलेगा, देखिए h+ तो आपने यूज कर लिया, और यहां से दूसरा क्या निकलेगा, i नेगेटिव, यही i नेगेटिव ये चाहे तो ऊपर से जाकर के अटैक कर दे, और ये चाहे यही आई नेगेटिव तो इसके बैक साइड से, मतलब चाहे ऊपर से अटैक करे चाहे नीचे से अटैक करे, क्योंकि ये प्लेनर है, ध्यान समझना, मान लो यहां पर एक कार्बन है तो आई नेगेटिव ऊपर से भी आ सकता है, आई नेगेटिव नीचे से भी आ सकता है, ठीक। अगर कहीं पर स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पूछा जाए तो आप दोनों प्रोडक्ट बना सकते हो, एक बार ऊपर से अटैक करा लो, एक बार नीचे से अटैक करा लो, तो देखो क्या बनेगा, ध्यान समझना, ये आई नेगेटिव जब अटैक करेगा तो बनेगा सी एच थ्री, ये क्या हो जाएगा सी एच टू, ठीक, ये क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू, के बाद यहां वाले कार्बन पर अगर मैं आयोडीन को ऊपर से ले आऊं तो आई यहां रहेगा, हाइड्रोजन यहां पर रहेगा और सी एच थ्री यहां पर रहेगा, बात समझ में आ रही है। सेम वे में अगर मैं आयोडीन को नीचे से लेके आऊं तो क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू, फिर यहां क्या रहेगा सी एच थ्री, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर आयोडीन रहेगा, बात समझ में आ रही है। इसमें आयोडीन ऊपर से आ रहा है और इसमें आयोडीन नीचे से आ रहा है, क्योंकि ये सेंटर कैसा है, कायरल सेंटर है, तो निश्चित रूप से यहां पर अगर एक आर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो दूसरा वाला एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि वो बैक साइड अटैक कर रहा है, बात समझ में आ रही है। अरे बोलो भैया, ऊपर से आई आ रहा है तो मान लो आर है तो नीचे वाला क्या होगा एस, या ये बोल सकते हो कि इनमें से एक डी होगा तो दूसरा क्या होगा एल होगा, तो यहां पर हमें डी एल मिक्सचर मिलता है, इस तरीके से क्या मिलता है, हमें डी एल मिक्सचर मिलने का चांस होता है, ठीक है। डी एल मिक्सचर कब मिलेगा, जब कायरल कार्बन होगा तभी, और जब कायरल कार्बन नहीं होगा उस समय डी एल मिक्सचर नहीं मिलेगा, बात समझ आ रही है, ओके। तो देखिए यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन, हमने किसका फॉर्मेशन किया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसको अच्छे से मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगा, पार्ट टू वाली वीडियो में इसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा, फिलहाल मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा रहा हूं, ओके। शायद आपको टाइप वन समझ में आया हो कि किस तरीके से मैकेनिज्म लिखा जाता है। टाइप टू के अंदर केवल वो इलेक्ट्रोफाइल लिए जाएंगे जिनके पास लोन पेयर होगा, तो चलिए उनके एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से लिख करके आएंगे वो पेपर में, या तो लिखा होगा Br2CCl4Cl2CCl4 की तरफ, या Br2 with water, ठीक है, ब्रोमीन वाटर एक टेस्ट बहुत फेमस है, या लिखा होगा Cl2 with water, ठीक है, या लिखा होगा NOCl, NOCl भी लिखा जा सकता है अगर पेपर में, तो किस तरीके से आप इलेक्ट्रोफाइल पहचानेंगे वो हम देख लेंगे, ICl या HgOAc twice, या जो पर एसिड होते हैं वो भी ये जो आपका टाइप टू वाला मैकेनिज्म है उसी तरह से कुछ बिहेव करते हैं, ठीक है। तो मेनली हम इनमें से छांटेंगे किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिएगा यहां से इलेक्ट्रोफाइल जो निकलता है, यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो होता है ब्रोमीन प्लस,
ठीक। यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो क्या होगा, ब्रोमीन प्लस, और ब्रोमीन पे क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैकेनिज्म टू के अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के अंदर भी देखो CCl4 यहाँ पर क्या है भैया, सॉल्वेंट का काम करेगा, किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का, यहाँ वाटर भी सॉल्वेंट का ही काम करेगा, पहले सॉल्वेंट का काम करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ Br2 से भी क्या निकल के आएगा, Br+ निकल के आएगा, ठीक। तो इन दोनों में ब्रोमीन प्लस इसका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, NOCl में NO+ N डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव, NO+ जो है इलेक्ट्रोफाइल होता है और Cl नेगेटिव यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है लेकिन NO+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। फिलहाल मुझे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताना है, ठीक। ICl में आप बताइए किस पर पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहेंगे, आयोडीन पर या क्लोरीन पर। जो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव चार्ज झेलता है और जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो तो नेगेटिव चार्ज चाहता है, तो क्या बनेगा, I प्लस एन सी एल नेगेटिव। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पर, I प्लस, सी एल नेगेटिव क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अब इस एच जी ओ ए सी को कैसे तोड़ेंगे भाई, एच जी ओ ए सी क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है। तो एच जी ओ ए सी की सकल सूरत अगर देखना चाहो तो ये है ओ सी ओ सी एस थ्री, इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, बात समझ में आ रही होगी, ओ सी ओ सी एस थ्री, ठीक। तो होता क्या है, एच जी क्योंकि मेटल है और ये क्या है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे और एच जी पर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे और यहाँ ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज लगाएंगे, नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल क्या है बोलो, एच जी ओ ए सी, देखो एच जी ओ और ये क्या है, ए सी, तो एच जी ओ ए सी मतलब एसिटाइल और एच जी पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और एच जी के पास लोन पेयर भी होता है, आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी पर एसिड ले लो, कोई भी पर एसिड, जैसे आप क्या ले सकते हो, एच टू ओ टू ले सकते हो, और एक होता है जैसे आप बेंजोइक एसिड लिखते हो ना, बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये बेंजोइक एसिड है, अगर हमें इसको पर बेंजोइक एसिड बनाना है तो हमें क्या करना है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर देना है, एक ऑक्सीजन ऐड करके इस तरीके से लिख दो, तो ये हो जाएगा पर बेंजोइक एसिड, ठीक। तो कोई भी पर एसिड भी हमें क्या दे सकता है, एक इलेक्ट्रोफाइल दे सकता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है, यहाँ का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है एक नेसेंट ऑक्सीजन होता है, आप इसको बोलते हो छुट्टा ऑक्सीजन होता है, फ्री ऑक्सीजन होता है, यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इस तरह से फ्री ऑक्सीजन होता है, और इसके बाद नो डाउट लोन पेयर तो रहेंगे ही, चाहे एटम की ही बात क्यों ना कर लें, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या करते हैं, पर एसिड हमें क्या देते हैं, एक नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। इन सब की मैं डिटेल्ड रिएक्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन बस मैं आपको एक इंट्रो देना चाहता हूँ कि टाइप टू के अंदर ये लोग आपको दिख सकते हैं, ओके। जैसे मान लो पेपर में अगर ये आ गया कि आप HOCl लिखा गया, HOCl में बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो याद रखिए कि ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव चार्ज वहां आएगा और Cl पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से HOBr दिया गया तो क्या लिखेंगे, OH नेगेटिव और Br+ लिखा जाएगा, ठीक। तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Br+ और यहां पर क्या है, Cl+। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। अब चलिए टाइप 2 को एक बार देख लेते हैं। टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोफाइल जाकर के एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक। तो एक साथ जाकर के इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो गया, और न्यूक्लियोफाइल मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा, अगर इस कार्बन पर CH3 प्रेजेंट है या कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमेशा ये न्यूक्लियोफाइल मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करेगा, ये कभी भी यहां अटैक नहीं करेगा, ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियोफाइल कभी भी इस लेस सब्स्टिट्यूटेड पर अटैक नहीं करेगा, ये हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड पर अटैक करेगा। इनका एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो में मिल सकती है आपको, लेकिन फिलहाल आप याद रख सकते हो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पर ही अटैक करवाएंगे जब यहां पर क्या प्रेजेंट हो, कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। मैं बार बार बोल रहा हूं यहां एल्काइल ग्रुप अगर नहीं होगा, कुछ और होगा, तो कंडीशन बदल सकती है, लेकिन अगर यहां पर कोई भी क्या प्रेजेंट होगा, मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल मोर सब्स्टिट्यूटेड पर अटैक करवाएगा। अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड पर अटैक करवाएगा तो प्रोडक्ट देखिए कैसा बनने वाला है, ये CH पर ऊपर से अटैक करवाएगा, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से लगे थे, इस तरीके से, और हमने न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करवाया, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस सेंटर पर, न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया तो ये बॉन्ड क्या होगा, देखिए टूट जाएगा, इस कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि इन्होंने यहां पर बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की। अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये रिएक्शन तो होनी ही नहीं है, ठीक। तो ये अटैक किया और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए,
ये इलेक्ट्रोफाइल नीचे की तरफ है और ये ऊपर, मतलब ये इस लाइन के एक ऊपर और एक नीचे है, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं? एंटी एडिशन बोलते हैं। तो मैकेनिज्म टू के अंदर या टाइप टू के अंदर एंटी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विद न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को हम कैसा ऐड करते हैं? एंटी ऐड करते हैं। शायद बात समझ में आई होगी, क्योंकि देखो भाई ये ऐसे है ना, इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल नीचे है इस तरह से, ठीक, और हम न्यूक्लियोफाइल को ऊपर से लाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल तो नीचे की तरफ ऐसे खुलेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऊपर से आ जाएगा, तो ये और ये एक दूसरे के क्या है? एंटी हो जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। टाइप थ्री पढ़ लेते हैं। टाइप थ्री के अंदर हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है। टाइप वन में पहले इलेक्ट्रोफाइल जाकर के एक जगह जुड़ता है तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, लेकिन टाइप टू के अंदर कार्बोकैटायन नहीं बनता, पार्शियल कार्बोकैटायन्स बनते हैं वहां पर। वहां पर कार्बोकैटायन नहीं बनने की वजह से मैकेनिज्म टू में, टाइप टू में कभी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, रीअरेंजमेंट सिर्फ टाइप वन में पॉसिबल है। ये बात याद रखिए, ये बात नोट कर लीजिए कि टाइप टू में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, लेकिन टाइप वन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि वहां पर कंप्लीट कार्बो कैटायन बनता है। ओके, लेकिन आते हैं टाइप थ्री पर। टाइप थ्री पर क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं अपने रिएक्टेंट से। देखिए कैसे कनेक्ट होंगे, ये चीज यहां पे कनेक्ट होगी तो ये चीज यहां कनेक्ट होने लग जाएगी। जब यहां ये दोनों कनेक्शन बनाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीक पड़ जाएगा और यहां वाला भी बॉन्ड इस तरीके से वीक पड़ जाएगा। देखिए ये बन जाता है, तो एक तरीके का यहां पर ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। तो आप बोल सकते हो कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन होती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन होती है, आसानी से बोल सकते हो मैकेनिज्म थ्री के बारे में, ठीक है। तो ये इस तरीके से कनेक्ट होता है, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पे, क्योंकि ये साइक्लिक है और फोर मेंबर्ड बन रहा है यहां पर। फिलहाल मैं फोर मेंबर्ड बना रहा हूं, हो सकता है फाइव मेंबर्ड हो सकता है सिक्स मेंबर्ड हो, लेकिन अभी मैं फोर मेंबर्ड में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फोर मेंबर्ड ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों एक साथ कनेक्ट होंगे ऐसे, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम साइड से ऐड होंगे, इसलिए हम इसको सिन एडिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिन एडिशन बोलेंगे। तो आप क्या बोलोगे, ध्यान सुनिएगा, कि सिन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल ऑन एल्कीन, एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सेम साइड में ऐड हो रहे हैं, इसी को हम सिन एडिशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो मैकेनिज्म थर्ड में सिर्फ इतना ही पार्ट है, लेकिन उसके एग्जांपल आप देख सकते हो, आप इसको प्लीज नोट कर लें, ठीक है, तब ताकि अगर मैं जो भी रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, मैकेनिज्म सिखाऊंगा, उनमें आसानी से आपको समझ में आए कि टाइप वन का मतलब क्या है, टाइप टू का मतलब क्या है, टाइप थ्री का मतलब है क्या है, और कौन सा रिएजेंट कहां पर रिएक्शन करता है और किस तरीके से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो देख लीजिए, यहां पर H2 एक सेम तरीके से ऐड होता है, जैसे ये मैकेनिज्म थ्री चलता है। BS3 ये क्या है, डाइबोरेन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कभी कभी B2H6 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, या मोनोमर BS3 के फॉर्म में हो सकता है, या KMnO4 ये क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन पूछी जाती है। कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 बहुत फेमस है, बेयर्स रिएजेंट के नाम से कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 फेमस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इनके बारे में बात करेंगे, ओजोन इनके बारे में बात करेंगे। ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच रिएजेंट मैकेनिज्म 3 से रिएक्शन करते हैं। आई होप आपको चीजें थोड़ी समझ में आ गई होंगी, एक आउटलाइन आपके दिमाग में बन गया होगा, इसको आप प्रॉपर नोट्स बना करके लिख लीजिए, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइए। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, जहां पर हम चर्चा करेंगे टाइप 1 वाले मैकेनिज्म की, HBr के एडिशन की, HCl के एडिशन की, DCl के एडिशन की, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से मैकेनिज्म के बारे में सीखेंगे। तो ओके, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।